हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज पाली में जैनत्व सुरक्षा संघ JSS के द्वारा एक पुण्य की दुकान आज एक ऑर्गेनाइज की गई है। नया कंसेप्ट है। आज तक दुकानें ऐसी बहुत देखी हमने जो प्रॉफिट मार्जिन पर चलती है, कमर्शियली चलती है। आज इसी चीज़ पे हमने एक नया कंसेप्ट देखा, पुण्य की दुकान। जिसको पुण्य कमाना है आ सकते हैं यहाँ पे। कंसेप्ट ये है कि लोगों ने आज तक अपने घर पे जो भी कपड़े, बर्तन, शूज़ जो यूज़ करते हैं, वो अभी तक होता है कि हम बर्तनों को सेल करते हैं या फिर बर्तन वाले को देते हैं और बदले में नया बर्तन ले लेते हैं। कपड़े भी हम सेल कर लेते हैं और बर्तन वाले को दे देते हैं, और लास्ट में जब कपड़े पूरे फटके पूरे ख़त्म हो जाते हैं तब जाके फेंक देते हैं। बट आज के इस कंसेप्ट में ये था कि जो ज़रूरतमंद नीडी पर्सन है उनको ये चीज़ यूज़ हो रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा तबका भी है जिन्हें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक ऐसा तबका भी है जिनके पास इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस चीज़ को सक्षम बनाया है। तो इसी के लिए हम बात करते हैं एक बार यहाँ के महेंद्र जी बम वर्धमान मार्केट से, क्या कहना है इस पुण्य की दुकान के बारे में। ये पुण्य की दुकान अपने घर पे जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके काम में नहीं आ रही हैं उनको अपन ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। खास बात यह है कि हम व्यवस्थित काम करते हैं, जैसे एक गेट से एंटर होते हैं दूसरे गेट से लेते हुए कपड़े और बर्तन लेके चले जा सकते हैं, सबके हाथ के निशान लगाते हैं, कोई दोबारा भी नहीं आए, सबको फ़ायदा मिले। कोई एक व्यक्ति 50 कपड़े लेके जा रहा है, एक 4-5 कपड़े लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है। सबको हमने 4 से 5 कपड़े लेके जा सकते हैं, एक बर्तन लेके जा सकते हैं, जूते चप्पल लेके जा सकते हैं। इस तरह से व्यवस्थित काम किया। ये दूसरी बार हम पुण्य की दुकान लगा रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत से लोग हमसे दिनों दिन जुड़ते जा रहे हैं अपने घरों से। बहुत सारे बर्तन कपड़े ऐसे जो आपके वहाँ पे काम में नहीं आते हो लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और पूरा समाज का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो सर, हम समाज को कुछ अपील कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? समाज को कोई अपील कर सकते हैं कि और भी समाज इस चीज़ के साथ जुड़े? हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि भाई गांव-गांव में, शहर-शहर में ऐसा उपक्रम चलना चाहिए। और जनता सुरक्षा संघ जो ये ऑलरेडी पूरे इंडिया में कई जगह पर ये काम कर चुका है, पाली में ये दूसरी बार है, तो आपको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। सार्थक प्रयास है, सबको लाभ मिलता है। तो ये एक अच्छी कड़ी हम जोड़ रहे हैं, कड़ी से कड़ी एक चैन बनाएंगे। ये जो सिक्योरिटी सिस्टम जो भी महेंद्र जी ने हमें बताया, कपड़े कितने जाएंगे, बर्तन कितने जाएंगे, ये सारा चेक हो रहा है। पुण्य की दुकान है, बट कहीं पे भी किसी चीज़ का मिसयूज ना हो, बस यही हम देख रहे हैं। और यह देखो, ये हमारे कुछ वॉलेंट्री कार्यकर्ता जो है वो ये चेक कर रहे हैं कि बर्तन कितने हैं, कपड़े कितने हैं, हाथों के निशान लगा रहे हैं, कंट्रोल बना के रखा है। चलो आगे चलो तो अभी तक हमने ये देखा कि आज तक हम इलेक्शन में जो अंगूठे पे निशान लगने का कंसेप्ट है वो इसीलिए है क्योंकि मिसयूज ना हो, एक पर्सन दो बार ना आ जाए। इस पुण्य की दुकान में भी कुछ यही चीज़ यूज़ की है हमने कि कोई भी एक नीडी पर्सन है उसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो ले जाए, मिसयूज़ ना हो किसी चीज़ों का। रीज़न ये है कि कई ऐसे पर्सन भी हैं जो इन चीज़ों का मिसयूज़ कर सकते हैं। हमने ये जो पुण्य की दुकान
का कंसेप्ट देखा है, वो एक भलाई के लिए है, 80% लोगों के फुलफिल करने के लिए। ये आप देख सकते हैं जो दुकान पे हमने इस सारा जो लगा रखा है। तो अभी हम मिलते हैं निर्मल जी वाले सर से और पूछते हैं कि इस पुण्य की दुकान के बारे में इनका क्या कहना है। सर, आप अपने घर पे जो भी एक्स्ट्रा सामान हो वो हमें ला के दीजिए, हम जरूर बम को प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। महावीर जी भंसाली, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे कुछ नहीं कहना, पुण्य की दुकान के बारे में बहुत बढ़िया है, आप लोग सहयोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या कर रहे हो अभी? थैंक यू सर। ओके देन, थैंक यू। एंड सब लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि इस पुण्य की दुकान में भी कुछ पुण्य कमाया जाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पैसा कमाना ये तो हम कर ही रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं और मरते दम तक करते ही रहेंगे, पर पुण्य कमाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। भगवान ने हमें सक्षम बनाया है कि हम न सिर्फ अपना, अपने परिवार वालों का भी पेट पाल सकें, अब कुछ ज़रूरतमंद लोगों के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो इन ज़रूरतों के बिना भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। बस हमें उन्हीं अपने भाई बंधुओं के लिए कुछ हेल्प कर दी जाए। दो हाथ हम बढ़ाएंगे, दो हाथ आप बढ़ाएंगे, एक चेन बनेगी और इसी चेन के सहारे, ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। कोई भी अपनी बेसिक अनुभव, किसी भी तरह की व्यवस्थाओं के बिना नहीं जिएगा। तो इसी के साथ सबको ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आप भी इस पुण्य की दुकान और अपनी अपनी जगहों पे कहीं पे भी ये पुण्य की दुकान लगा के पुण्य कमा सकते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। एक चेन बनाएंगे और हमारे ही भाई बंधुओं की हम मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।